वेलकम टू जी के एम सी क्यू प्लेटफॉर्म जनरल साइंस सीरीज चल रही है दोस्तों आप सभी की। फिजिक्स की एम सी क्यू है और क्लास फाइव है और टोटल 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूँ। आप लोगों को मैं प्लेटफॉर्म रुकमणी की इस बुक से 1350 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो कि मैं आई बटन पर आप लोगों को डाल दूंगा। उसमें मैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो तीनों की प्लेटफॉर्म रुकमणी की सारी वीडियो बनाकर उस पर डाल रहा हूँ। वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट की लिंक और आप लोगों को आई बटन पर भी मिल जाएगी। आप लोग मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ी सी आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहे और मैं आप लोगों को इसी तरह वीडियो और बनाकर देता रहूं। आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों और थोड़ा सा प्यार बनाइए और अपना कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। यदि आपको किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोग को उस चैप्टर का एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करता और सीधे क्वेश्चंस पर आ जाता हूँ। आप लोगों का काम है कि आप लोग को क्या करना है, नहीं करना है, आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए आगे आते हैं कि 401 नंबर के क्वेश्चन में है कि यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दुनी कर दी जाए तो विकृति क्या होगी। तो यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दुनी कर दी जाए तो विकृति भी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे आते हैं हम कि 402 नंबर पे चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना है आप लोगों को। धूप में उपयोग होने वाले छत के रंग होने चाहिए। तो धूप में उपयोग होने वाले छत के रंग ऊपर सफ़ेद और भीतर काला होना चाहिए। ठीक है, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ वायुमंडल, वहाँ जो है बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान में रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, यह इसलिए कि पेट्रोल में यह शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलता है और इसलिए आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग कि माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। तो सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप को प्रयुक्त किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित के अध्ययन कीजिए। छोटी वस्तु को अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है और वात्याभट्टी यानी ब्लास्ट फैरेंस में उत्पादित लोहा है। तो कास्ट आयरन वात्याभट्टी ब्लास्ट फैरेंस में उत्पादित होता है। अब पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री एल्यूमिना और मिट्टी एवं जिप्सन है। ठीक है, घंटा इकाई किसकी इकाई है। तो इकाई जो वो किलोवाट घंटा है। यदि प्रक्षेप के वेग से दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रास क्या होगा। तो उसका जो अधिकतम प्रास होगा वो चारगुना हो जाएगा। ठीक है, चारगुना हो जाता है अधिकतम प्रास। एक वाट घंटा क्या होता है। तो एक वाट प्रति घंटा जो होती है, एक वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻³ जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1000 वाट के बराबर क्या होता है। तो 1000 वाट के बराबर 1.341 अश्वशक्ति के बराबर होता है और एचपी बराबर 746 वाट होता है। तो 1000 वाट बराबर 1000/700746 दिया है तो 1.341 एचपी होता है। 1000 वाट के बराबर क्या होता है, 1.341 अश्वशक्ति यानी एचपी हॉर्स पावर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। तो कोणीय वेग की बीमा आप लोग को रखना है कि डायमेंशन से भी हो सकता है। एक क्वेश्चन आप लोग को एनटीपीसी ग्रुप डू में डायमेंशन से आ जाते हैं। आप लोग को थोड़े छोटे 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 डायमेंशन जो है वो दिमाग में रखने हैं और ज़्यादा बड़ा डायमेंशन नहीं पूछता, छोटा छोटा डायमेंशन पूछता है। तो छोटे छोटे डायमेंशन आप लोग को दिमाग में रखने हैं। यदि आप लोग कहिएगा तो मैं इस पर एक डायमेंशन की एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए यदि आप लोग को वीडियो चाहिए तो। कोणीय वेग की बीमा क्या होगी। कोणीय वेग की बीमा क्या है, m^0 l^0 t-1। ठीक है, तो यानी t-1 होता है। ठीक है, तो सिंपल हो गया, यानी यहाँ पे m^0 l^0 है तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। और आवेग एवं संवेग की बीमा क्या होती है। आवेग और संवेग की बीमा जो होती है MLT-1 होता है। ठीक है, दोनों का सेम ही होता है, इस बात को दिमाग में रखना है। एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है। एक एचपी का मान 746 वाट होता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसे लगाने के कारण उस वस्तु के स्थान में 5 मीटर परिवर्तन होता हो जाता है तो उस वस्तु द्वारा कितना कार्य किया जाता है। तो किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसके लगने के कारण
इसके लगने के कारण वस्तु के स्थान में कितना परिवर्तन होता है, 5 मीटर का परिवर्तन हो जाता है। तो वस्तु द्वारा जो ऊर्जा होगा वो 50 जूल क्या होगा, क्या कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो बल को 10 लगाया और विस्थापन कितना हुआ, 5 मीटर बढ़ा तो 5 मीटर हो गया, तो बल गुना विस्थापन यानी 50 जूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है। तो घनत्व वह भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है। एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर तीनों साथ आएंगे। 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल टी होता है, 1 सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल टी स्क्वायर सेकेंड होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻²⁰ मीटर होता है। किसने कहा एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करेगा। न्यूटन ने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी ज्ञात की जाती है। वायुमंडल को की ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो वायुमंडल की ओजोन परत हमें अल्ट्रावेट यानी परावैगनी किरण परत से बचाती है। इसकी खोज रिटर के द्वारा किया गया और इसका तरंग दैर्ध्य 10⁻⁸ to 10⁻⁷ मीटर होता है। इसका उपयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में, गामा किरणों की खोज गामा किरणों की खोज वैक्वेरल के द्वारा किया गया और इसका तरंग दैर्ध्य 10⁻⁴ to 10⁻⁶ मीटर होता है और इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है, जलप्रपात प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल सदैव केंद्र की और त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो पृथ्वी के भ्रमण की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल कोणीय संवेग होता है। यदि कोई गेंद आरंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्व रूप से ऊपर की ओर उछली जाए तो 2 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। यदि कोई गेंद आरंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्व रूप से ऊपर की ओर उछाली जाए तो 2 सेकंड के बाद उसका वेग 9.8 मीटर प्रति सेकंड नीचे की तरफ होगा। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत होगा, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा नियत रहता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर भ्रमण करती है तो उसे उस वस्तु की वृत्तीय गति कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, उस वस्तु की वृत्तीय गति कहते हैं। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है, तो किसी हवाई जहाज की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से हवाई जहाज की ऊंचाई। ठीक है, वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है, वायु की जो गति होती है उसको किससे, एनीमोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को तो बैरोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अंतरिक्ष में बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं, तो अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को आयतन कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतरिक्षों में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को आयतन कहते हैं। किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोमीटर से डैश तक बढ़ने के लिए कितना बल लगेगा, किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक बढ़ने के लिए 8 न्यूटन का बल लगाना होगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है और 40 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो m × 5 = 40/5 = 8 होगा। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, क्या किस पर, विस्थापित उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर। तरल का घन जितना अधिक होगा उत्प्लावी बल उतना ही अधिक लगेगा एवं वस्तु द्रव में तैरेगी। प्रक्षेप का पथ होता है, तो प्रक्षेप का पथ जो प्रबलय होता है, 100 वाट तथा 500 वाट के बल के प्रतिरोधी का अनुपात क्या होगा, यदि वोल्टता समान हो तो 100 तथा 500 वाट के प्रतिरोधों का अनुपात 5:1 होता है यदि वोल्टता समान रहे। कम वाट के बल्ब का प्रतिरोध अधिक तथा अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो चालक से होकर विद्युत धारा के प्रभाव में रुकावट डालता है क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, धरातल पर पहुंचने वस्तु द्वारा लिया गया समय होगा। किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया, धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय 2 सेकंड का होता है। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा
कितनी होगी? यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देगा। परम दाब है, तो परम दाब जो है वह गेज दाब प्लस 1 बार है। क्या है? गेज दाब प्लस 1 बार है। एक फेमटो बराबर होता है, एक फेमटो बराबर जो एक फर्मी होता है, फर्मी बराबर 10^-15 मीटर होता है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है कि एक फर्मी बराबर 10^-15 मीटर होता है, एक पीको बराबर 10^-12 मीटर होता है। तो एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेगी। एक समान आयतन की लकड़ी तथा लोहे के गोले को एच ऊंचाई के साथ एक साथ गिराया जाए तो दोनों एक साथ गिरेगी, क्योंकि दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बल समान लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लैंक नियतांक एच की बीमा समान है, तो प्लैंक नियतांक एच की बीमा समान, बीमा जो है कोणीय संवेग के समान है, और इस दोनों का बीमा सूत्र ML²T⁻¹ होता है। संवेग का बीमा ML(t-1) होता है, ऊर्जा का बीमा ML²T⁻²² होता है, आवृत्ति का बीमा ML(t₁) होता है, T₁ होता है, M⁻¹, L⁻¹, T₁। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। शून्य में जो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? समान त्वरण होता है। द्रव की बूंदों निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती है? द्रव की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है, और किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींचा गया काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। पृष्ठ तनाव के कारण शेविंग ब्रश को जेल से निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। समुद्री लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है। साबुन डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अंततः वे मेल में गहराई तक चले जाते हैं। पानी पर मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले पृष्ठ तनाव कम होने के कारण बड़े बनते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, कारण कि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः यह जीभ के ऊपरी सभी भागों पर में फैलता है। अब क्या है आगे का क्वेश्चन कि एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है, तो धारा के तापन प्रभाव पर एमसीबी लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है। आगे बढ़ते हम लोग आते हैं 446 नंबर पर। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। तो द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव के कारण होती है। एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद बनी रहती है, क्योंकि पारे का जो होता है वो ससंजस उसके शीशों के साथ असंजस से अधिक होता है। पारे एक साफ शीशे की प्लेट पर पानी के बूंद गिराने से वह फैल जाता है, क्योंकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि पारे का ससंजस यानी क्वाइजन उसके शीशे के साथ असंजस यानी एडेंशन से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, और ठोसों को ससंजक बल अधिक तथा द्रवों को ससंजक बल कम लगता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं, क्योंकि वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंद के रूप में घनीभूत हो जाती है। पारा कांच को भी नहीं भिंगोता कारण है। असंजस बल के कारण पारा कांच को नहीं भिंगोता है। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल कम होता है। वायु में प्रचक्री यानी स्पाइनिंग क्रिकेट बाल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। तो वायु में प्रचक्री स्पाइनिंग क्रिकेट बाल के दोलन की व्याख्या वो वर्नौली के प्रमेय के आधार पर की जा सकती है। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आवासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर है तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो 1.33 होगा। अपवर्तनांक क्या होता है? 1.33 होता है।
क्या दे दिया, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई। किसी पात्र में यदि आवर्तनांक बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, यानी 20 बटा क्या, वास्तविक गहराई कितनी 15, 20 बटा 15, 20 बटा 15 हो गया। तो फिर उसको डिवाइड करेंगे तो 1.33 आंसर इसका होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई होता है, बात दिमाग में आप लोग को रखना है। किसी कागज की सीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है, सतह में स्याही कितनी ऊपर उभरी हुई दिखाई देगी। तो किसी कागज की सीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के टुकड़े को रखा जाता है, तो सतह में स्याही 4.4 सेंटीमीटर क्या होगी, 4 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर दिखाई उभरी हुई दिखाई देगी। आप लोग को ये वीडियो अपने फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देना दोस्तों, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को क्या परेशानी हो रही है और वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग उसे खुद ब खुद समझदार हैं, जरूर ऐसा कर देंगे मुझे उम्मीद है। और तो किसी भी चीज़ को दोस्तों को एक दूसरे को शेयर करने से यदि आप किसी को कुछ शेयर करते हैं तो वो भी आपको कुछ शेयर करता है और आप दोनों के बीच एक कनेक्शन बनती है कि चलिए वो बंदा वो मुझे कुछ अच्छी चीज़ भेज रहा है तो मैं भी उसे कुछ अच्छी चीज़ें भेजूँ, आपको भी कुछ ज्ञान मिल जाता है और उसे भी कुछ ज्ञान मिल जाता है। इसलिए अच्छी चीज़ों को शेयर करने से कभी ना कतराएं, ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन में हो जाता हूँ। और थोड़ा सा वीडियो जब कुछ लोग देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, बिना लोग नहीं देखेंगे मैं बना रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है। तो फिर चलिए तो थोड़ा काम करें तो लोगों जब देखते हैं पसंद करते हैं थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बकवास किया होगा तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। पानी से ऊपर तक भरे एक भाग में पानी की सतह पर बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का सतह अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। लकड़ी के टुकड़े का आयतन का 4/5 यानी 4/5 भाग किसी तरल में डूबा हुआ तैर रहा है। यदि लकड़ी की आपेक्षिक घनत्व 4.8 है 0.8 है तो ग्राम मीटर क्यूब में तरल का घनत्व होगा। तो ग्राम मीटर क्यूब में जो तरल का घनत्व होगा ये इस तरह सॉल्व करके इसको दिया गया है। क्या है, लकड़ी के टुकड़े के आयतन का 4/5 भाग किसी तरल में डूबा हुआ तैर रहा है। तो लकड़ी के टुकड़े का के आयतन का 4/5 भाग किसी डूबा हुआ तरल में बोल रहा है। एट है अपेक्षिक घनत्व 0.8 है तो ग्राम मीटर क्यूब में तरल का घनत्व क्या होगा। इस क्वेश्चन को मुझे आप लोग यदि कमेंट बॉक्स बताइएगा मैं इस क्वेश्चन को आप लोग को समझा दूंगा। अभी आप लोग का इसका आंसर होगा 1000 ग्राम मीटर, 1000 ग्राम मीटर। ये बी से यहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, लकड़ी के टुकड़े का आयतन 4/5 किसी तरल में डूबा हुआ तैर रहा है और यदि लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व 0.8 है तो ग्राम मीटर क्यूब में तरल का घनत्व क्या होगा। तो ग्राम मीटर क्यूब में तरल का घनत्व 1000 ग्राम मीटर होगा। इसको समझना है आप लोगों को तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोग को इसको समझा दूंगा। आप लोग नंबर को कमेंट कीजिएगा और नंबर को कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे ये चीज़ समझना है, मैं आप लोग को समझा दूंगा। मैं न्यूमेरिकल उसे मैं फिजिक्स में जो क्या कहता है मेरी फिजिक्स जो है मैं ज़्यादातर क्या कहता है बायो की अच्छे से बनाता हूँ, फिजिक्स में जो है थोड़ी सी मीडी है, फिर भी आप लोग जब डिमांड कर रहे थे तो मैंने सोचा कि फिजिक्स बना लूँ। फिजिक्स के मैं न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व नहीं करता था क्योंकि मेरे मेरे चैप्टर और मेरे सिलेबस से रिलेटेड चीज़ नहीं थी। और क्या कहता है मैंने फिर भी पढ़ा, ऐसा नहीं मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ा हुआ बहुत दिन हो भी गया है। और न्यूमेरिकल जब कितने दिन से आप सॉल्व नहीं करते तो प्रैक्टिस में नहीं रहता है, चीज़ें भी बहुत सारी चेंज होती रहती है, तो इसलिए मैं शायद न्यूमेरिकल सॉल्व इस करने में असमर्थ हूँ और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि आप लोग को चाहिए तो मैं क्या करूँगा बुक को पढ़ के आप लोग को इसको फिर से अच्छे से मैं बता दूंगा। आप लोग को यदि चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं निकालूंगा बुक और बुक से पढ़ के मैं सॉल्व करके आप लोग को बता दूंगा। आप लोग को यदि समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
मैं समझा सकता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी क्वेश्चन को, मुझे में ये है कि आप लोग को यदि उस चीज़ को चाहिए तो मैं वो कमेंट आप लोग को वो चीज़ करके दूंगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होगा। अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है तो उस पिंड का आयतन होगा। अगर किसी पिंड का भार हवा में 100 ग्राम है और पानी में डालने पर 92 ग्राम है तो उस पिंड का आयतन 8 cc होगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। दर में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। दर में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि लार्वा पानी में डूब जाता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी और वाइवान की खोज राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया। तो अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले की आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब, तो अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। लगने वाला दाब जो होता है वो कम होता है। चलिए 442 नंबर पर आते हैं कि 462 नंबर पर सॉरी। तो क्या है, निम्नलिखित में से असत्य को चुने। तो बेल जो है ध्वनि मापन की इकाई है, बाद बाकी सभी सत्य है तो सब सत्य को हम पढ़ लेते हैं। क्या है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो क्या है, मापन की इकाई है। केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है। ओम विद्युतीय प्रतिरोध मापन की इकाई है। ये तीनों सही है, तो इस तीनों को हम लोग को दिमाग में रखना है। इसे और इसे और इसे, इस तीनों को हम लोग को दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है क्योंकि झील के तली को पानी जमता नहीं है और यही कारण है कि मछलियाँ जमे पानी के झील में जीवित रह सकती है। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबाई जाती है वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना डैश का उदाहरण है। तो यह घटना जो है डुबाई जाती है, तो यह घटना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऐसा वैसलीन पृष्ठ तनाव के कारण वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पर पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबाई जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो कौन सा है, 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। तो पिघलने पर ठोस समानता फैलता है, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है और बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो तीनों सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैंप की बत्ती में तेल जड़ता है, लैंप की बत्ती में तेल जड़ता है क्योंकि कैपलिन क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल जड़ता है चढ़ता है और कोशिका नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को कोशिकात्व कहते हैं। और बिल्टिंग बिल्टिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखना, स्याही का सोखना, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ाना, मिट्टी के ढेले में जल को जल में डालने पर वह कमर ऊपर तक भींगता है, और कृत्रिम उपग्रह में कोशिका नली की जल में खड़ा कर दिए जाए तो जल आसानी से दूसरे सिरे तक चला जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। जल का घनत्व हाइग्रोमीटर से मापा जाता है और मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि बर्फ के टुकड़े को दो टुकड़े को जब आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा की जाती है? ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। किसी निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में परिणत होता है गलनांक या द्रव्यमान बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव वाष्प में बदलता है क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जल में अशुद्धि मिलाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है।
निश्चित ताप पर कोई ठोस बदलता है उसे हिमांक कहते हैं, और जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारणता पानी से ज़्यादा होता है, और इसी कारण तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो जब कोई हवा का बुलबुला किसी सील के झील के तलहटी से सतह तक आता है तो वो आकार में बढ़ जाता है। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी में तैरती है, विस्थापित पानी का भार होगा तो विस्थापित 200 kg भार की एक नाव जो है वो पानी में तैरती है तो विस्थापित पानी का भार 200 किलोग्राम होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है, जब एक धनिया बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र बढ़ जाता है। थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव चालन संवहन विकिरण प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है? 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार 68 gm होगा जिसका हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम होता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। सीमांत घर्षण निर्भर करता है तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जिसके कारण भोजन जल्दी बनता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने की ही वाला है, झील के अगस्त तल में जल का क्या तापमान होगा? किसी झील की सतह में पानी बस जमने ही वाला है, झील के अगस्त तल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 1270 और 1675 के पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 120 और 1270 और 1675 के पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया प्रभंजन आसवन कहलाती है। इस विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। अकल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में पैदा होता है? अकल के दांत यानी विश्डम तीथ जो है 17 से 30 वर्ष की उम्र में निकलता है, यानी 17 वर्ष से पहले का जो बच्चा होता है वो थोड़ा अकल से कच्चा होता है। बट आजकल ऐसा नहीं होता है, बच्चे ही अकल से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, ऊष्मा विकिरणों की गति जो होती है वो प्रकाश के बराबर होती है। बंदूक की प्रतिक्षेप धक्का इनमें इसे किसका उदाहरण? बंदूक का प्रतिक्षेप धक्का रैखिक संवेग का संरक्षण उदाहरण है। एक लोहे के हथौड़े यानी आयरन हार्मर को धूप में रखा जाए तो यह क्या होगा? तो लोहा ऊष्मा का सुचालक होने के कारण एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखने पर इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होता है। तो दो रेलों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो दो रेल के मध्य जोड़े पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित रहती है। तो कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर जो होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है, और इस यंत्र के द्वारा पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बना जाता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए ताप युग्म के प्रयोग से किया जाता है। 1 किलोग्राम जल तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए 50 किलो कैलोरी ऊष्मा आवश्यक ऊष्मा है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ में मिलाया जाता है तो उस सम्मिश्रण का अंतिम तापमान होगा। 25 डिग्री सेल्सियस 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 1000 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है तो उस सम्मिश्रण का अंतिम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा। एक पिंड का तापमान 5 मिनट में 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो आसपास का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और कितने समय में मिनटों में
इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एक पिंड का तापमान 5 मीटर में 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आसपास का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 15/2 मिनटों में इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है, तो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक का तापमान विकिरण पायरोमीटर से मापा जा सकता है। एक गोल, एक घन और वृत्ताकार प्लेट 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं, तो उसमें उनमें क्या शीघ्र शीघ्र ती शीघ्र ठंडा होगा, तो वृत्ताकार प्लेट जो है वह जल्द ठंडा होगा। जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो जल का आयतन क्या होगा, तो जल की आयतन जब 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। जब जल को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन घटता है और फिर बढ़ने लगता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन जो वह घटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक लिफ्ट इत्यादि कार्य करता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर की सामान्यता ताप के तापमान कितना होता है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्यता ताप 310 केल्विन होता है, और चार्ल्स के नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस का आयतन शून्य होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। इस ताप पर पहुंचने से पहले ही गैस द्रव या ठोस में परिणत हो जाती है और परम ताप को केल्विन भी कहा जाता है। सेंटीग्रेड ताप को परम ताप का केल्विन में बदलने के लिए उसमें 373 जोड़ दिया जाता है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। ओके बाय, सी यू। और वीडियो को अपने फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना ना भूलें। शेयर कर दें, इसलिए 2-3 बार बोल देता हूँ ताकि आप लोग शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और ये बताएं कि आप लोग को मुझे इसमें क्या और सुधार करना चाहिए और कैसे और अच्छे से बनाना चाहिए, और क्या आप लोगों को मैं और प्रोवाइड कराऊँ, आप लोगों को क्या समस्या है, मैं उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे। See you.